बाढ़ी लहर के कहर से देश के तमाम राज्य परेशान हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ क्या तैयारी कर रहा है, क्या रास्ते अपना रहा है कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए। छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जिसने 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित करने का ऐलान किया, क्योंकि बहुत सारे शहरों में लॉकडाउन लगा है। ऐसे में सरकार ने इस बात को समझा कि छात्रों के लिए परीक्षा देना कठिन होगा। हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लाइव मौजूद है। स्वागत है भूपेश जी आपका आज तक पर। सबसे पहले, हर दिन नए रिकॉर्ड कोरोना बना रहा है, जिस बीमारी से देश ने एक तरीके से मान लिया था कि हमने दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, उसकी दूसरी वेव कहर बरपा रही है। छत्तीसगढ़ के हालात कैसे हैं अभी? बिल्कुल सही आपने कहा कि ये दूसरा जो लहर है वो ज्यादा घातक है पहले लहर की अपेक्षा। पहली लहर शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थी, लेकिन ये दूसरी जो लहर है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक फैल गया है और जो बेहद चिंताजनक है। और हम लोग जितनी सुविधाएं बढ़ाते जा रहे हैं ये परेशानी भी उतनी बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे हम मार्च में जहां टेस्टिंग जनवरी महीने में हम 22,000 कर पा रहे थे, उसे बढ़ा के फरवरी में 30,000 मार्च में हमने किया था, अब बढ़ के वो 40,000 तक के प्रतिदिन हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। वहीं वैक्सीनेशन भी जो मिला है उसको भी हम लोग लगातार बढ़ा रहे हैं और अब एक दिन में लगभग हम लोग 3.75 लाख वैक्सीनेशन करने की स्थिति में है। अब हमारी क्षमता 4 लाख यदि डोज मिलते हैं तो उसको भी वैक्सीनेशन करने की स्थिति में है। अभी तक के लगभग 36 लाख लोगों को हमने वैक्सीनेशन कर लिया है, मतलब हमारी जो आबादी है उससे लगभग 12%, 2,80,00,000 हमारी जनसंख्या है उसमें से 36 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन हमने लगा दिया है। उसके बाद भी लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। पिछले साल जो पीक में अगस्त सितंबर महीने जो पीक था उसमें लगभग 3,800 हमारे एक दिन में अधिकतम रहा है, अब वो लगभग 10,000 को छू रहा है। ये बड़ी चिंताजनक बात है और इसलिए लगभग हमने 207 कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है। अब 144 धारा तो लगा ही हुआ है पूरे प्रदेश भर में। उसके अलावा अब दुर्ग है, रायपुर है, बेमेतरा जिले में हमने लॉकडाउन भी घोषित किया है क्योंकि इन्हीं शहरों में ये संख्या बढ़ी है, तो इसलिए जितने भी आवश्यक कार्रवाई है वो हम लोगों ने किया। उसके अलावा भी जहां शासन प्रशासन और फ्रंटलाइन वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं, उसके अलावा सामाजिक संगठनों से भी और भी जो लोग हैं स्वयं संगठन उनसे भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं ताकि सब लोग के भागीदारी सुनिश्चित करके इस लड़ाई को हम लड़े। भूपेश जी, वजह क्या लगती है आपको, क्यों ऐसा हुआ जब सब कुछ कंट्रोल में आ रहा था उसके बाद हालात अचानक बिगड़ क्यों गए? छत्तीसगढ़ में खासतौर पे क्या वजह देखते हैं आप? लोग ढीले पड़ गए, प्रशासन ढीला पड़ गया, क्या हुआ? पूरे यदि दुनिया के हिसाब से देखेंगे तो दूसरे देशों में भी सेकंड वेव आया, हिंदुस्तान में भी सेकंड वेव आया। छत्तीसगढ़ में पिछले समय जो व्यवस्था थी उसमें हमने सीमाओं को सील किया था, एयरपोर्ट बंद था, रेलवे बंद था, लेकिन भारत सरकार ने जैसे एयरपोर्ट और रेलवे और सीमाओं को खोला वैसे हमारे यहाँ तो मात्र 3 कोरोना पॉजिटिव रह गए थे, अब वो बढ़ के फिर 3,800 तक पहुंचा था। और अभी भी ये स्थिति ये है कि लैंड लॉक स्टेट है, 7 राज्यों से घिरा हुआ, इस राज्य से गुजर के बहुत सारे प्रदेश के लोग यहाँ से आते जाते हैं और इस कारण से ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और भयावह है। अब इसमें जो देश की स्थिति बनेगी वो हमारी मानी, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़, हमारा सीमा महाराष्ट्र से भी लगा हुआ है, इधर उड़ीसा और झारखंड से भी लगा हुआ है, साउथ से भी लगा हुआ है। तो ये जैसे महाराष्ट्र में भी जो मैक्सिमम केसेस थे मुंबई, पुणे और इस प्रकार के उससे जुड़े हुए इलाके में था, लेकिन अभी जो सेकंड वेव आया है वो विदर्भ में आया है, नागपुर के इलाके में आया। सबसे पहले इसीलिए लॉकडाउन नागपुर में किया गया और नागपुर से लगा हुआ हमारा पूरा इलाका है, हजारों परिवार वहां से जुड़े हुए हैं जो रोजी रोटी के लिए जाते आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं, रोजगार के लिए। तो वो ये होली की जो छुट्टी है या वहाँ जो लॉकडाउन हुआ उसमें तो बड़ी संख्या में हमारे आए। तो सीमावर्ती जो जिले हैं जिसमें राजनांदगांव जिला, बेमेतरा, मुंगेली, दुर्ग, रायपुर, इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में संक्रमित हुए हैं। तो
जैसे जैसे ये वेव का प्रभाव है और जहां कोरोना विस्फोट हो रहा है उसका प्रभाव सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ा है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भूपेश जी, जब केंद्र की सरकार ने लॉकडाउन किया तो आपकी पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि लॉकडाउन कोई हल नहीं है, और अब आपने अपने इलाके दुर्ग में सबसे पहले लॉकडाउन कर दिया। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहां 10 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लग रहा है, तो फिर लॉकडाउन क्यों, जब आप लॉकडाउन को इलाज नहीं मानती आपकी पार्टी तो? देखिए, आप यदि आप राजनीतिक ढंग से बात कर रहे हैं तो वो स्थिति नहीं थी जिसमें लॉकडाउन किया जाए, अचानक आप लॉकडाउन कर दिए किसी को तैयारी किए बिना। हम 4 दिन पहले हम बता रहे हैं कि हमको लॉकडाउन करना है, 5 दिन पहले बता रहे हैं लॉकडाउन करना पड़ेगा, और लोगों को विश्वास में लेके कर रहे हैं। ये अचानक टेलीविजन में प्रकट हुए और उसके बाद लॉकडाउन घोषित कर देंगे तो हड़कंप मचेगा ही। हमने दुर्ग में लॉकडाउन किया, चलिए बताइए कौन सा हड़कंप मच गया, या रायपुर में लॉकडाउन आज शुरू हुआ उसमें कौन सा हड़कंप मच गया। लोगों को विश्वास में लेके यदि कोई काम करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। यदि बिना विश्वास मिले, राज्यों को बिना विश्वास मिले, समाज को बिना विश्वास मिले, उद्योगपतियों बिना विश्वास मिले, व्यापारी और कर्मचारियों बिना विश्वास मिले के करेंगे तो वो भयावह स्थिति होगी। लेकिन उस बात का इस बार बहुत से लोग ये आरोप लगा रहे हैं, पिछली बार तो ठीक है लॉकडाउन से हड़कंप हुआ, इस बार हड़कंप ऑलरेडी मच गया था इसलिए लॉकडाउन आपको करना पड़ा, और दुर्ग को लेकर खासतौर पर लोगों ने सवाल उठाए कि वो आपका अपना इलाका है मुख्यमंत्री का, और वहां की तस्वीरें बहुत तरीके की वायरल हुई। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है भाई, कोई इलाके का नहीं है, कुत्ते बिल्ली होता है इलाका इलाका, पूरा प्रदेश हमारा है जी। लेकिन दुर्ग हुआ, मैंने पहले बताया कि ये दुर्ग है, दुर्ग संभाग जो महाराष्ट्र विदर्भ के सीमा से लगा हुआ है और हजारों लोग रोज का आना जाना है, और वो संक्रमण हुआ निश्चित रूप से उसे स्वीकार करते हैं, संख्या बढ़ी भी है। भिलाई स्टील प्लांट के कारण से ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी के रूप में है, जिसमें हर प्रदेश के, हर देश के, हर राज्य के, हर जिले के लोग वहाँ नौकरी में रहते हैं, तो लोगों को आवागमन भी रहा है और उसके कारण से ये स्थिति बिगड़ी भी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ बातें कही जिसके बाद देश के स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया, और एक तरीके से तस्वीर ऐसी हो गई कि केंद्र और राज्य वैक्सीन को लेकर आमने सामने है। क्या छत्तीसगढ़ की स्थिति भी केंद्र के साथ वैसी ही है जैसी महाराष्ट्र की है, या आप संतुष्ट हैं कि जितनी मदद चाहिए उतनी आपको मिलती है? कल प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम था और उसमें जो हेल्थ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी, देश भर में 24 लाख वैक्सीन तैयार हो रहे हैं और हमको जो मिल रहा है लगभग 3 लाख के आसपास मिलता है, रोज मिलता है और रोज हमको लगाना पड़ता है। तो मैंने ये बात प्रधानमंत्री जी से कहा कि चूंकि हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हमारे जिले बहुत दूर दूर हैं, जंगल का इलाका है, 44% हमारे जंगल है, तो हमको यहाँ से सुकमा 500 किलोमीटर, यहाँ से बीजापुर 500 किलोमीटर, यहाँ से उत्तर में जाएंगे तो बलरामपुर या सरगुजा जाएंगे तो 500 किलोमीटर से कम ही पड़ता, तो रोज रोज इसको ले जाने में बहुत परेशानी होती है। यदि इन जिलों के लिए हमको 1 सप्ताह के लिए भी यदि स्टॉक दे दिया जाए तो वहाँ वैक्सीनेशन आराम से किया जा सकता है। अभी भी हमारे पास लगभग 4-4.5 लाख वैक्सीन है और एक दिन में हम करीब 3 लाख से 4 लाख लगाने की स्थिति में, एक दिन में हम अधिकतम 3.25 लाख वैक्सीन लगाए हैं, तो यदि ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाए तो, क्योंकि प्रोग्रामिंग उस प्रकार से होता है यदि वैक्सीन आज ही आया और आज ही हमको लगाना है तो वितरित करने में बड़ी दिक्कत होती, परेशानी होती, इसलिए यदि 3 दिन का स्टाफ हो जाए, 7 दिन का स्टाफ हो जाए तो पूरे प्रदेश में आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि उस सेंटर तक पहुंचाना, लोगों को सूचना देना, लोग आएंगे। अब यदि आपके पास वैक्सीन पर्याप्त है और जितने लोग आए तो उसको वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास वैक्सीन कम है और ज्यादा लोग आ गए तो वहाँ भगदड़ की स्थिति बन जाती है। तो इसलिए वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हर सेंटर में रहे, हर जिले में रहे, ये आग्रह मैंने कल प्रधानमंत्री जी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। तो जो आश्वासन आपको मिला आप संतुष्ट हैं उससे, या अभी मिला नहीं आश्वासन या जवाब? ये तो वन वे रहता है भाई, वन वे रहता है, उधर से कोई जवाब थोड़ी आता है आपको दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, वो जब मिलता है तब पता चलता है कि मिला कि नहीं मिला। तो अभी हमने बात रखी है। वैक्सीन को लेके आपकी सरकार के स्टैंड पर भी बीजेपी काफी हमलावर रही कि आप पहले वैक्सीन पर भरोसा ही नहीं करते थे, अब कहते हैं कि वैक्सीन क्यों नहीं देते,
तो क्या जवाब देंगे उनको? मैंने कब कहा वैक्सीन नहीं देते? आपकी सरकार का स्टैंड मैंने कहा, मैंने आपका नाम नहीं लिया। सरकार का स्टैंड भी यही है कि रोज 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 वैक्सीन आता है, रोज लगाते हैं। यदि हमको 3 दिन का स्टॉक दे दिया जाए तो हमको आसानी होगी, ये बात मैंने कहा। दूसरी बात वैक्सीनेशन की बात है कि आपको मैंने पहले आंकड़े बताए, 2,80,00,000 हमारी जनसंख्या है, उसमें से 36,00,000 लोगों को वैक्सीन हमने लगाया है। इसका मतलब 12% लोगों को वैक्सीन लगा दिया है, जो भाजपा शासित राज्य उससे कहीं अधिक है। आप मध्य प्रदेश की तुलना कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की तुलना कर लीजिए, उसकी अपेक्षा हमारे यहाँ वैक्सीनेशन ज्यादा है। उसी प्रकार से टेस्टिंग के भी रेट आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ उन राज्यों से बेहतर टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं। जहां तक कि जो विवाद की जो बात आपने कही है, वो जो तीसरा जो जांच होनी चाहिए उसके बाद लगाना चाहिए, ये बात हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था, लेकिन हमने वैक्सीनेशन तो रोका नहीं। वैक्सीनेशन लगातार रहा, फ्रंटलाइन जो वर्कर है आप देख लीजिए, हेल्थ वर्कर हमारे 87% लोग वैक्सीन लगा चुके हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं वो 84% लगा चुके हैं, 45% से अधिक उम्र के जो लोग हैं वो 43% लोगों को लग चुका है। तो ये हमारी उपलब्धि है। अब जहां जो भारत सरकार को यदि कोई बात हम कहते तो विरोध करना थोड़ी होता है। ये जो गाइडलाइन है, जो मान्य गाइडलाइन है, उसके पालन नहीं हुआ, ये सूचना उसको दी है तो उसको विरोध समझ लेते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है। लेकिन हमने वैक्सीनेशन रोका नहीं। अब किसी दूसरे राज्य की निकाल लीजिए कि किस राज्य में हेल्थ वर्कर का कितना परसेंट हुआ है, वो आंकड़े सबके सामने है, उनसे दोहराने की जरूरत नहीं, मेरे पास है, वो मैं बता भी सकता हूँ कि कितना किस प्रदेश में कितना प्रतिशत हेल्थ वर्कर का, फ्रंटलाइन वर्कर का, और 45% से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश बघेल जी।